अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बेसिकली फॉर अ वाइल, इन अ वाइल, आफ्टर अ वाइल, इनका क्या यूज़ है इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ वाइल इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए या कुछ पल के लिए। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना थोड़ी देर के लिए मैं ये करूँगा या थोड़ी देर के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ, ये जो है फॉर अ वाइल का वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह देखे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे? कुछ पल के लिए मैं आराम करने जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, ये हो गया हमारा सेंटेंस। और कुछ पल के लिए ये हम बिल्कुल लास्ट में लगा देंगे सेंटेंस के। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, बनेगा आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए मैं आराम करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी देर इंतज़ार करें। थोड़ी देर इंतज़ार करें, तो यहाँ पे जो हमारा सेंस होता है ना वो यही होता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करें या कुछ पल के लिए इंतज़ार करें या कुछ पल इंतज़ार करें, इस तरह के सेंस आएगा। तो बोलेंगे वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट, मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है? इन अ वाइल। अगर इन अ वाइल होगा तो इसके लिए इसका मतलब होगा थोड़ी देर में, कुछ देर में या कुछ पल में। ठीक है, थोड़ी देर में या कुछ पल में। देखिए सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, मैच कुछ देर में शुरू होने वाला है, मैच कुछ देर में शुरू होने वाला है। इसकी पोजीशन भी यही बिल्कुल आखिर में सेंटेंस के आ जाएगा। तो जो चीज़ मैच है वो एक फिक्स टाइम पर होगा। ठीक है, तो वो जो टाइम है वो मुतय्यन है। तो जो मुतय्यन टाइम होता है वहाँ पे हम इस टू एम टू आर टू का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, तो द मैच इज टू स्टार्ट। ठीक है, तो इसके बाद हमने टू लगाया, देन उसके बाद स्टार्ट लगाया। इस गोइंग टू स्टार्ट भी बोल सकते हैं और इस टू स्टार्ट भी बोल सकते हैं। तो ये जब यूज़ करते हैं जब कोई काम जो है करना हमारा मुतय्यन हो और वो काम होने वाला हो। ठीक है, द मैच इज टू स्टार्ट इन अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंसेस, थोड़ी देर में सीनियर डॉक्टर आएंगे, थोड़ी देर में सीनियर डॉक्टर आएंगे। तो इस ये बनेगा द सीनियर डॉक्टर विल कम इन अ वाइल, द सीनियर डॉक्टर विल कम इन अ वाइल। आई होप कि आपको इसका यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, कुछ पल में आपको रिपोर्ट मिलेगी, कुछ पल में आपको रिपोर्ट मिलेगी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर बाद, कुछ पल बाद या थोड़ी देर बाद। ठीक है, सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, इसकी पोजीशन भी सेम वही होगी, लास्ट में आएगा सेंटेंस के। कुछ देर बाद हम बोर हो गए, तो हम बोर हो गए ये सेंटेंस है, कुछ देर बाद के लिए हम आफ्टर अ वाइल का यूज़ कर लेंगे। बोलेंगे वी गॉट बोर्ड आफ्टर अ वाइल, वी गॉट बोर्ड आफ्टर अ वाइल। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, तो बनेगा इट स्टार्टेड रेनिंग आफ्टर अ वाइल, इट स्टार्टेड रेनिंग आफ्टर अ वाइल। आई होप कि आपको आफ्टर अ वाइल, इन अ वाइल एंड फॉर अ वाइल का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, कुछ पल बाद ट्रेन रुकी, कुछ पल बाद ट्रेन रुकी। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे स्पोकन क्लब को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक पार्टनर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जहाँ पे आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर जो है हम डेली वोकेबुलरी वर्ड्स भी शेयर करते रहते हैं और डेली का टॉपिक भी शेयर किया जाता है, ताकि आप जो है उस पर कॉन्वर्जेशन कर सकें। सो सिंपल से और बिल्कुल मुनासिब सी फीस है, 1000 मंथली है, और 2000 में आप 3 मंथ्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।